सो हेलो गाइस, आज के नए वीडियो आपका स्वागत है। आज के वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करना ताकि आपको एक अच्छी जानकारी मिल सके एडसेंस की तरफ से। हाँ, तो बात करते हैं गूगल एडसेंस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास मान लीजिए कोई एक एडसेंस है, ठीक है, एक एडसेंस है, ईमेल है, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं उस एडसेंस को किसी दूसरे नए ईमेल पे ट्रांसफर करूं, तो क्या ये ट्रांसफर होना पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। इस वीडियो में बस इसी के बारे में बात करूंगा, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो कैसे है, क्या होगा, क्या चीज है, मतलब सब कुछ ए टू जेड, ठीक है। देखो मैं कंप्लीट जानकारी देता हूं, अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आपको एक अच्छा जानकारी, कंप्लीट जानकारी मिल के रहेगा, ठीक है। मैं फेक वीडियो नहीं बनाता, सच्चाई के साथ मैं वीडियो को क्रिएट करता हूं, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं। देखिए मान लो आपके पास कोई जीमेल है, ठीक है, कोई मेल है आपका, उसी पे एडसेंस है यूट्यूब चैनल का, और आप सोच रहे हैं कोई नया ईमेल में बनाऊं और उसको उस पे ट्रांसफर कर लूं, ठीक है, तो क्या यह पॉसिबल है। हाँ, टेक्निकल इसरार सर ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने दिखाया सब कुछ कि मतलब ओल्ड एडसेंस अकाउंट को न्यू जीमेल पे कैसे ट्रांसफर करें। यानी सीधी सी बात है, जीमेल अकाउंट और दूसरा जीमेल अकाउंट, मतलब कि कोई पुराना एडसेंस है या नया एडसेंस है, मैं उसको ट्रांसफर करना चाहता हूँ किसी दूसरे ईमेल पे, तो क्या पॉसिबल है या नहीं है, इसी के बारे में टेक्निकल इसरार ने वीडियो बनाया। वीडियो सब कुछ सही था, बस उन्होंने बताना भूल गए कि भाई ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो कि आप ट्रांसफर कर लोगे और सोच रहे हो कि मैं अब इसको डिलीट कर दूँ ये ईमेल, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा बहुत बड़ी आपको पछतावा होगा। कि आप देखिए, जब आप कोई भी अपना ईमेल, यानी कि जब कोई अपना एडसेंस आप ट्रांसफर करते हो किसी दूसरी ईमेल आईडी पर, तो वो चीज़ ट्रांसफर तो होने को हो जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें शो अप होगी, मतलब कि हम देख सकते हैं उस ईमेल आईडी से, जो न्यू ईमेल आईडी उससे बस देख सकते हैं, जो ओल्ड ईमेल आईडी यानी कि जिस पे एडसेंस ऑलरेडी था उस पे हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इस न्यू ईमेल आईडी पे चेंजेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आप कोई चाहते हो कि भाई मेरा जो एडसेंस मैं दूसरी ईमेल आईडी पे ट्रांसफर करूँ और उसके बाद मैं कुछ भी चाहूँ तो उसमें एडिट करूँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे बता रहा हूँ कि आप कभी भी ऐसी बड़ी गलती मत करना जिससे आपका एडसेंस भी डिसेबल हो और आपका एडसेंस का एक्सेस, यानी कि जो एक्सेस होगा वो भी छूट जाए, आपके हाथ में एडसेंस ना रहे, तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। मैंने ये गलती की और मैं भोग चुका हूँ, इसलिए मैं आपको सोचा मैं इसके बारे में जानकारी दूँ। मैंने YouTube पे सर्च किया तो इसरार सर का वीडियो मुझे दिखा, मैंने उस वीडियो को प्ले किया, बट सर ने भूल गए ये बताना कि भाई आप सबसे बड़ी गलती करने वाले हो, अपना एक्सेस नहीं पाओगे अगर आप दूसरे बंदे की या फिर दूसरे ईमेल आईडी पर ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कभी भी ट्रांस मत कीजिए, ट्रांसफर करना हो तो एक मैनेजर की तरह ही होगा, क्योंकि मैनेजर देख सकता है, डिलीट नहीं कर सकता, तो यही सब होता, ठीक है। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, जानकारी मिल गई हो तो एक शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वीडियो साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।